तो चुनाव खत्म चपत चालू। 1 मार्च 2014 को 410 रुपए वाला सिलेंडर मुबारक हो आपको, अब 950 रुपए में आप खरीदेंगे। महंगाई का ट्रिपल अटैक आप पर पड़ चुका है, जैसे यूक्रेन पर पड़ा, ये महंगाई वाला ट्रिपल अटैक है। ट्रिपल अटैक, गैस 50 रुपए, पेट्रोल 80 पैसे और डीजल भी 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ आपका स्वागत कर रहा है। 1 मार्च 2014 को 410 रुपए वाला सिलेंडर अब आप 950 रुपए का खरीदेंगे, अगर आप दिल्ली में हैं तो। कोलकाता में ज्यादा रेट, मुंबई में भी इसके आसपास रेट। रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी आपको मुंह मीठा करने पर मजबूर कर रही है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के भाव अब 949 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार वृद्धि ने आम जनता की जिंदगी को और मुश्किल कर दिया है। तो सवाल यही कि क्या गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन अब सरकार ने हटा लिया है, और क्या अब मोदी सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी? विकास, चुनाव खत्म होते ही जनता की जेब पर अब डाका डलना शुरू हो चुका है। सरकार फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई है, व्यस्त है, मगर जनता महंगाई के तड़के का मजा ले रही है। तो क्या ये अब नहीं मान लिया जाना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों ने चुनावी नियंत्रण से मुक्ति पा ली है? देश की आम जनता पर अब महंगाई का आक्रमण शुरू हो चुका है। वैसे हमारे आपके देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, तो क्या वो जनता के मन की भी बात सुनेंगे और जनता पर महंगाई से जो आक्रमण हो रहा है वो बंद कर देंगे? जब उनकी बात रूस और यूक्रेन दोनों सुनते हैं, है ना? क्या ये झूठ है कि लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा? एक तरफ आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। किराना खर्च, जो आपके घर पर राशन आता है, उसका खर्च जो है वो 45% तक बढ़ चुका है। उदाहरण के तौर पर खाने का तेल 71%, राजमा 100%, काबुली चना लगभग 65%, चावल 45%, पोहा 33%, नमक, जी हाँ वो मोदी जी वाला नमक जो कहते थे ना मोदी का नमक खाया, वो भी 33% बढ़ चुका है। उड़द दाल 33%, मूंग दाल 31%, मैदा 33%, आटा 32%। सवाल ये कि क्या धर्म जाति से ही बेड़ा पार होगा? और ये कैसा अमृतकाल है जिसमें महंगाई से जनता का बुरा हाल है? चर्चाएं तो ये भी हैं कि अब साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, चाय, कॉफी, बिस्कुट और नूडल्स जो आपके बच्चे मैगी खाते हैं, 10-15% तक बढ़ेंगे। पहले फरवरी में बढ़े थे, इस बात की भी चर्चाएं हैं। सर मुझे लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूं। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। खैर, जनता के वोट से जीत राहत देना राजधर्म है, तो क्या फिर सवाल ये नहीं खड़ा होता कि जनता के वोट से जीत महंगाई देना क्या राज धोखा नहीं? जरा सोच कर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।